रिजल्ट्स आए उसमें भी ग्रोथ मॉडरेशन को लेके बहुत साफ तौर पे ऐसे चिन्ह नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेजेस भी कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हालांकि मैनेजमेंट अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि बहुत बड़ा कोई मॉडरेशन नहीं आने वाला है, लेकिन बाजार कैसे ट्रीट करेगा इसको एक बार आशीषा से समझ लेते हैं नंबर्स कैसे थे, उनकी बारीकियां, उसके बाद जानेंगे कि ब्रोकरेजेस ने सारी जितनी भी सुबह हम बढ़िया बढ़िया ब्रोकरेजेस आपके लिए लेके आते हैं उन्होंने किस तरह से रिएक्शन दिया इन नंबर्स पे। आशीषा आप बताएं सबसे पहले। जी हाँ, लार्जली मिले जुले नंबर देखने को मिल रहे हैं। TCS से इस क्वार्टर में म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू हमारा एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है, लेकिन मार्जिन्स में एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। 24.7% पर मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे इस क्वार्टर में और कंपनी ने 24.5% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला है 50 बेसिस पॉइंट्स का। वेज नॉर्मलाइजेशन के चलते सिक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक मिस देखने को मिला। मार्जिन्स लोअर आने के चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इस क्वार्टर में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा कॉमेंट्री की बात कर लेते हैं। एट्रिशन इस क्वार्टर में लोअर साइड पे है। LTM एट्रिशन 21.3% पे आया है इस क्वार्टर में वर्सेस 21.5% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। कंपनी ने ऐसा बताया कि एट्रिशन पीक हो चुका है और आगे चलते हुए क्वार्टर्स में भी एट्रिशन लोअर ट्रेंड पर नजर होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा डील विन की बात कर लेते हैं। याद रखें कंपनी ने ईयर के स्टार्टिंग में ऐसा बताया था कि 7 से 9 बिलियन डॉलर्स की रेंज रहेगी हर क्वार्टर में डील विन से, और इस क्वार्टर में 7.9 बिलियन US डॉलर्स की डील विन कंपनी ने एंजॉय की है। वो रेंज में है 7 से 9 बिलियन US डॉलर्स की, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर एक डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा FY23 के गाइडेंस की बात कर लेते हैं। याद रखें कंपनी ने FY23 के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था और मार्जिन 25% का दिया था, और कंपनी ने मार्जिन गाइडेंस रिटेन किया है FY23 के लिए। सो ऑल इन ऑल रेवेन्यू हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा है, मार्जिन्स में एक मिस देखने को मिला है, सिक्वेंशियल बेसिस पर इम्प्रूवमेंट है लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम आया है। एट्रिशन के बारे में कंपनी ने बताया इस क्वार्टर में एक डिक्लाइन इन ट्रेंड नजर आ रहा है और आगे चलते हुए भी क्वार्टर्स में एट्रिशन कम हो सकता है। डील विन और डिमांड के बारे में कंपनी ने बताया कि डील विन अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, डिसीजन मेकिंग में कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही और इसी के चलते डिमांड एनवायरमेंट भी अभी के लिए स्ट्रांग नजर आ रही है। सो ऑल इन ऑल मिले जुले नंबर से TCS से इस क्वार्टर में। चलिए, ये तो सारा का सारा रिजल्ट्स, हमें रिजल्ट की डिटेल्स हमें आशीषा ने समझाई। अब एक बार इन रिजल्ट्स पर ही कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं। रिपोर्ट्स में क्या बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स का कहना है, उन्हें नंबर्स कैसे पसंद आ रहे हैं TCS के, ये सब हमें वमाक्षी बताएंगी अब। जी बिल्कुल, अगर हम TCS के ब्रोकरेज को देखें तो काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस काफ़ी कॉशियस नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे TCS के नतीजों के साथ। तो नोमुरा ने अपनी रिड्यूस की राय को बरकरार रखा है। सबसे लोएस्ट टारगेट प्राइस आपको दिख रहा होगा नोमुरा की तरफ से है, 2850 का टारगेट प्राइस इनकी तरफ से आ रहा है। इसके अलावा JP Morgan ने अपनी अंडरवेट की राय दी है, लक्ष्य दिया है 3000 प्रति शेयर का। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 3350। और आखिर में जेफरीज की तरफ से होल्ड की राय आ रही है 3500 के टारगेट प्राइस के साथ। तो लार्जली आइए देखते हैं ब्रोकरेज की कॉमेंट्री क्या कह रही है। तो Q3 की प्रिंट ब्रॉडली इन लाइन थी, उनके मुताबिक रेवेन्यूज जो कंपनी रिपोर्ट किए थे वो अनुमान से थोड़े मजबूत थे, मगर प्रॉफिट फ्रंट पर कंपनी के नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर आए हैं और ये मेनली फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस के द्वारा था। नियर टर्म आउटलुक थोड़ा कॉशियस नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस के मुताबिक, डील विंस भी थोड़े सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, बुक टू बिल में गिरावट नजर आई और नेट हायरिंग नेगेटिव होती हुई दिखी है ब्रोकरेजेस को। ब्रोकरेजेस का लार्जली मानना है कि वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है स्लोइंग ग्रोथ और वर्सनिंग मैक्रो प्रॉस्पेक्ट्स के चलते। तो ओवरऑल अगर हम देखें ब्रोकरेजेस ज्यादा इंप्रेस नहीं नजर आ रहे हैं TCS के नतीजों के साथ। बिल्कुल, ब्रोकरेजेस बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं नजर आ रहे हैं TCS के रिजल्ट्स के साथ, क्योंकि इसमें ग्रोथ मॉडरेशन के साइंस हैं, बहुत क्लियर चिन्ह हैं। लेकिन ट्रेड कैसे किया जाए, 3.5% ऊपर TCS बंद हुआ था रिजल्ट में जाते वक्त, रिजल्ट ऐसे बहुत ही ज्यादा धमाकेदार तो नहीं आए हैं, बाजार कैसे रीड करेगा इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन चार्ट क्या बता रहा है, कुछ अगर आप एक बार चार्ट पर देख के बताएं जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए आज क्या होगा सुबह इसमें पहले एक घंटे में, अगर मैं लॉन्ग था तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं शॉर्ट था तो मुझे क्या करना चाहिए।
देखिए, अगर आप लॉन्ग हैं तो बिल्कुल स्टॉक का मोमेंटम अच्छा था। रिजल्ट के पहले जो स्टॉक ने मूव दिखाई थी, काफी अच्छी वॉल्यूम बैक थी और सारे एवरेजेस के ऊपर जाके क्लोजिंग भी है। तो मैं कहूंगा जो आपकी लॉन्ग पोजीशन है इनको बिल्कुल इंटैक्ट रख के चले। अगर आप शॉर्ट हैं तो एक बार के लिए जरा ओपनिंग का वेट करें। अगर मान लीजिए किसी तरीके का डिप मिलता है आपको, तब आप उसमें एक बार के लिए एग्जिट कर जाए। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे इतना खराब नहीं लग रहा। प्लस ध्यान रहे कि जिस तरीके का रिजल्ट सीजन सेटअप हो रहा है और जिस तरीके का मूव हमने नास्टेक में आते हुए देखा है, देयर इज अ गुड चांस कि टेक स्टॉक्स को यहाँ से एक और बूस्ट मिले। तो मैं बहुत ज्यादा समय के लिए शॉर्ट नहीं रहना चाहूंगा इन टेक स्टॉक्स में, अप अंटिल द रिजल्ट सीजन इज ओवर फॉर ऑल ऑफ देम। यहाँ पे अगर आपकी फ्रेश पोजिशन हो या आप एग्जिस्टिंग पोजिशन रादर लेके चल रहे हो, तो 3375 का जो पहला लेवल है वो एंड 3420 का जो दूसरा लेवल है, इन दोनों लेवल्स को वॉच आउट करें। नीचे के साइड पे अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलना चाहते हो फॉर योर लॉन्ग पोजिशन, देन 3260 इज वेयर आई वुड प्लेस माय स्टॉप लॉस। प्लस और मिले जुले नंबर्स कहेंगे, क्योंकि कंपनी के आय में बढ़त जरूर है लेकिन मार्जिन और प्रॉफिट के फ्रंट पर एक मिस जरूर नजर आ रहा है। इस वक्त ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ज्यादातर अगर देखें तो अंडरवेट, रिड्यूस या फिर यहाँ होल्ड की रेटिंग कॉशियस नजरिया अपना रही है टीसीएस की। और अब